हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं चार साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में अगर आपका विटामिन सी लेवल कम है। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि विटामिन सी क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके सोर्सेज क्या है एंड उसका डेली रिक्वायरमेंट क्या है। सो विटामिन सी इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन जो ईजीली डिजॉल्व होता है पानी में। इट्स अ वाटर सोल्यूबल सो जिसके वजह से उसका रिक्वायरमेंट ऑन डेली बेसिस रहता है। एंड विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट है एज पर RDA दैट इज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, उसके हिसाब से एटलीस्ट 75 to 90 mg ऑफ विटामिन सी हमारे डाइट में होना ज़रूरी है। नाउ विटामिन सी इज ईजीली यू नो अवेलेबल इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सो जैसे आंवला है, ग्वावा जिसे पेरू कहा जाता है, या फिर लेमन्स है, ऑरेंजेस, मौसम्बी, इसमें विटामिन सी की मात्रा काफ़ी अच्छी रहती है। ऑल्सो वेजिटेबल्स लाइक कैप्सिकम है, कैबेज है, इसमें भी विटामिन सी अच्छे मात्रा में अवेलेबल होता है। नाउ अगर विटामिन सी हम रेगुलरली इंक्लूड करते हैं डाइट में तो इसके बेनिफिट्स क्या है? तो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज ये एंटीऑक्सीडेंट है, सो ये फ्री रेडिकल जनरेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इन्फ्लेमेशन है, ये कम करने के लिए हेल्प करता है। सेकेंड, अगर विटामिन सी मतलब विटामिन सी अगर हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो इसका बेनिफिट ये है कि ये वूंड हीलिंग में, मतलब जिसको जो जख्म रहता है उसको भरने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। कोलेजन फॉर्मेशन ये उसका इम्पॉर्टेंट रोल है, सो ये स्किन हेल्थ के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगेन ये हाई एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, अलॉन्ग विद दैट इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी विटामिन सी प्लेज वेरी क्रूशल रोल। सो इट हेल्प्स बूस्ट इम्यूनिटी, इन्फेक्शन के जो रिस्क चांसेस है वो कम करने के लिए हेल्प करता है। ना अगर आपके खाने में विटामिन सी की मात्रा कम है, आप क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं साइंस? तो ये चार स्पेसिफिक साइंस है, अगर ये आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इट माइट बी योर विटामिन सी लेवल इज लेस एंड यही टाइम है आपको आपके डाइट में विटामिन सी की मात्रा बढ़ानी है जिससे कि ओवरऑल हेल्थ के लिए बेनिफिट मिले। सो द फर्स्ट साइन इज ब्लीडिंग गम। सो बहुत बार ऐसे होता है कि वी आर टेकिंग ऑल द ओरल हाइजीन, जिस रेगुलर ब्रशिंग है, फ्लॉसिंग है, यू नो प्रॉपर ओरल हाइजीन हो रहा है, बट स्टिल यू हैव अ ब्लीडिंग गम। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इशू नहीं है, तो इट माइट बी दैट विटामिन सी आप जो खाने में ले रहे हैं वो आपको कम पड़ रहा है एंड दैट लीड्स टू ब्लीडिंग गम। देन सेकेंड इज ड्राई एंड स्केली स्किन। या ड्राई स्किन इज़ वेरी कॉमन जब आपका विटामिन सी कंजम्पशन कम है। सो अगर विटामिन सी लेवल्स लो है, ड्राई स्किन इज़ वेरी कॉमन। कोलेजन सिंथेसिस ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है विटामिन सी का। अगर विटामिन सी के लेवल्स कम है डाइट में तो ये अफेक्ट करता है कोलेजन सिंथेसिस के लिए एंड दैट इम्पैक्ट्स ऑन योर स्किन। देन थर्ड इज़ जॉइंट पेन। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन है इट कैन बी बिकॉज ऑफ लो लेवल्स ऑफ विटामिन सी, बिकॉज विटामिन सी जो है ये इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए हेल्प करता है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। यूजुअली इन जॉइंट पेन ऐसे देखा गया है इन्फ्लेमेशन इज अ की फॉर इट, एंड अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है तो जॉइंट पेन होने वाला है एंड दैट लीड्स टू विटामिन सी डेफिशिएंसी और लो लेवल ऑफ विटामिन सी। देन द फोर्थ जो है वो है इम्पेयर्ड हीलिंग। सो अगर आपको कुछ वूंड हुआ है, लगा है और वो जल्दी से हील नहीं हो रहा है, इफ़ इट इज़ टेकिंग टाइम देन इट कैन बी अ लो लेवल ऑफ विटामिन सी जो इम्पैक्ट कर रहा है हीलिंग में। सो ये चार सिम्टम्स है जो यूजुअली देखे जाते हैं व्हेन द विटामिन सी लेवल्स आर लो, एंड इसे हमें करेक्ट करना बहुत ही आसान है बिकॉज ये सिम्टम्स हम ईजीली ओवरकम कर सकते हैं थ्रू इंक्लूडिंग गुड सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। सो बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज आंवला, जो आप रेगुलरली आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं रॉ, या फिर आप जूस फॉर्म में इंक्लूड कीजिए, और यू कैन इंक्लूड इट एज अ होल आंवला। सो ये अलग अलग पाउडर फॉर्म में आप इंक्लूड कर सकते हैं, कैंडीज फॉर्म में आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये एक हो गया। इंक्लूड वेरियस सिट्रस फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी की मात्रा अच्छी है। सो रेगुलर बेसिस पे अगर आप ये विटामिन सी रिच फूड्स इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन कंट्रोल
द साइंस एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विथ लो विटामिन सी लेवल एंड वेल दिस इज ऑल अबाउट टूडे सेशन. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. टिल देन ईट हेल्दी स्टे हेल्दी. थैंक यू.